जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अशोका गैस गोदाम गली मोहद्दीपुर में ज्योति हॉस्पिटल की जांच की गई। जांच के समय मकान मालकिन मौजूद मिली, जिन्होंने अस्पताल पंजीकरण के संबंध में कागजात प्रस्तुत नहीं किया। इस दौरान चिकित्सालय के निरीक्षण के समय अल्ट्रासाउंड मशीन पाई गई, जिसका पंजीकरण भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अल्ट्रासाउंड मशीन को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सील कर अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा ऑपरेशन थिएटर एवं चैंबर को भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि चिकित्सालय के मालकिन को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण चिकित्सालय को बंद करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना तत्काल प्रेषित करें, साथ ही उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इस संबंध में टेलीफोन पर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। जो बार बार इस तरह के जांच में गलत पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ईसीपीएनडीटी एक्ट में पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, हम भी नहीं कर सकते, कोर्ट केस चलता है। कोर्ट में केसेस बहुत दिनों से लंबित हैं, कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा, दूसरी चोरी से मशीन खरीद के अल्ट्रासाउंड का कार्य करने लगे। उसी क्रम में ये नर्सिंग होम भी है, इसका एक अल्ट्रासाउंड मशीन पहले से सील जाए और साथ में कोर्ट में केस भी, और ये दूसरी पकड़ में आई है जिसको कि हमने सील कर दिया। सर, क्या वो हॉस्पिटल को सील नहीं कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन तो सील करना, हॉस्पिटल तो सील किया जा सकता है, लेकिन चार बेड ऑक्यूपाइड थे ना, पेशेंट्स उनके यहाँ पड़े थे, तो अब उसको अगर बंद कर देंगे, सील कर देंगे, तो उन पेशेंट को शिफ्ट करें या तो ये कहाँ ले जाए, तो उनको हिदायत दी गई है कि जैसे ये ठीक होते हैं और इनको सील करिए, एक भी मरीज नहीं देखेंगे, जैसे ही ये शिफ्ट होते हैं तो हमें खबर करिए, हम आपका ये सीज करेंगे, आगे की कार्रवाई होगी तब आप देखिएगा उसको। अवैधानिक चला रहे हैं।